COVID-19 pandemic continues to rage across the world. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने अभी भी लेट लतीफी का जो रवैया है जारी रखा है। बातें तो इनसे इतनी करवा लो कोई हद ही नहीं है, लेकिन काम कितना करेंगे देखा तो अंतिम में वही जाएगा। भारत की सरकार ने महीना पहले इन्हें एक लेटर लिखकर कहा है कि आप हमारे 50,000 टन गेहूं को अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा दो। पाकिस्तान ने सुना ही नहीं, 2 हफ्ते ऐसे ही निकाल दिए। तालिबान के फिर विदेश मंत्री पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने वहां पर अश्योर किया कि हाँ हम अप्रूवल दे देंगे, और वो अप्रूवल हुए को भी हफ्ता बीत चुका है और अब पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हम भारत की सरकार के साथ बैठकर जो मॉडल है किस तरीके से ये 50,000 टन गेहूं पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर जाएगा इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। अब दोस्तों, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो इन्होंने पहले ही जवाब देने में ही ख़त्म कर दिए, और फिर 1 हफ्ता बाद में तालिबान के विदेश मंत्री के साथ अश्योर किया, फिर वो 1 हफ्ता निकाल दिया, और अब एक बार फिर से ये भारत की सरकार को ना जाने कब बुलाएंगे, कब ये बैठेंगे, कब मॉडल को लेकर डिस्कशन होगी और कब 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान के अंदर पहुंचेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी एक कमेटी बिठा रहे हैं जिसके चलते इस्लामाबाद से भारत के अंदर जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं जो इलाज करवाने आए हैं वो अपना पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में जो भारत ईरान के रस्ते से $850 की स्पेशल फ्लाइट के चलते अफगानिस्तानियों को भेज रहा था अफगानिस्तान के अंदर, उस रस्ते को हम अब पाकिस्तान से जोड़ने वाले हैं ताकि वो जो एक किराया है वो कम हो जाए। बहुत अच्छी बात है, अब पाकिस्तान वाले ये कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में $5 बिलियन की एक जो ऐड है, एमरजेंसी मेडिकल सप्लाई है, सर्दियों के शेल्टर हैं और अदर आइटम्स हैं, वो पहुंचाने का काम तेजी से शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ भी अफगानिस्तान के अंदर जाने वाले हैं और उनकी जरूरतों के हिसाब से सारी लिस्ट वो तैयार करवा कर आएंगे, और COVID-19 की वैक्सीनेशन भी हम अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ट्रेड किस तरीके से बढ़े, इसको लेकर भी हमारी डिस्कशन चल रही है। अब दोस्तों, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए लेकिन जमीनी स्तर पर आपने क्या किया है वो बात देखी जाती है ना। जरूर ये बातें अलग हैं कि आप ये जो एक कर रहे हो अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, वहां पर लोग मुश्किल में हैं, लेकिन भारत जो मदद भेजने जा रहा है उस पे आप लेट लतीफी क्यों कर रहे हो। 1 महीने से ज्यादा का समय तो अब हो गया है, अब ना जाने पाकिस्तान की सरकार कब भारत की सरकार साथ बैठकर मॉडल को समझेगी और कब इसे अप्रूवल देगी और कब भारत के ट्रक अफगानिस्तान में पहुंचेंगे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लेट लतीफी 1 महीना और ले जाएगी भारत के ट्रकों को अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाते। दूसरी तरफ आप देखिए रशिया, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, यूएई जैसे देशों ने अफगानिस्तान के अंदर मदद भी पहुंचा दी है, लेकिन इस सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर हमने भरोसा जताया है तो इस तरीके की लेट लतीफी का हमें कोई एक भरोसा नहीं था। भले ही ये बिरादर भाई कह रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत लेट लतीफी की जा रही है। दोस्तों, हम क्यों कह रहे हैं लेट लतीफी की जा रही है, सर्दियों का मौसम चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। आप सोच कर देखिए, अब ठंड में जब अगर आपके शरीर के ऊपर रजाई ना हो तो आपको कितनी ठंड लगती है, लेकिन ठंड तब भी ज्यादा लगती है जब आपके पेट में कोई खाना ना हो, अन्न ना हो, और पेट खाली हो और ठंड का मौसम हो तो दोस्तों सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। पाकिस्तान की सरकार को समझना चाहिए कि बातों से बातें नहीं बनती होती हैं, आपको एक्शन करके दिखाना होगा। अब ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, भारत के साथ सीधा बैठकर मीटिंग करके मॉडल फाइनलाइज करके ट्रकों को अनुमति दे देते तो इसे इतनी देर ही नहीं लगनी थी, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि महीने तो आराम से लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि आप बातें तो बड़ी कर रहे हो लेकिन सर्दियों के मौसम में एक एक घंटा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। क्या कहना चाहोगे आप दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से निराश कर दिया है यार कि 2 हफ्ते होने को हैं और अभी भी अप्रूवल के लिए मॉडल समझने की बातें कर रहे हैं।